दोस्तों काफ़ी रोमर्स आ रही हैं सैमसंग गैलेक्सी A14 5G। फाइनली यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये इंडियन के वेबसाइट पर देखा गया है, जो कि इस पेज पर सैमसंग मोबाइल फ़ोन SM मॉडल नंबर के साथ लिस्ट हुआ है। तो ये हालांकि ये फ़ोन के जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशन है उसके कुछ मौजूद में जानकारी है। जैसे बता दूँ कि इंडिया की लॉन्च डेट भी यहाँ पर कन्फर्म की जा रही है, और भी इसके फीचर्स भी, जो कि देखा जा रहा है कि मीडिया टेक डायमेंसिटी 700 चिपसेट पर लॉन्च हो सकता है। वहीं साथ ही फ़ोन में इंडिया के वर्जन के सैमसंग एक्सनॉस चिपसेट दिए जाने की बात भी हो रही है। स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 OS पर काम करेगा, जो कि UI 5.0 के साथ मिलकर काम करेगा। पावर बैकअप के लिए 5000 mAh की बैटरी दी जाएगी और 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का टेक्निक के साथ काम करेगा। हालांकि इसमें दो वेरिएंट आएंगे, और जहां पे स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट है वो 4 GB रैम है, दूसरा जो होगा वो 6 GB रैम मेमोरी पर लॉन्च होगा। तो 64 GB इंटरनल स्टोरेज एक का होगा, एक का 128 GB का इंटरनल स्टोरेज होगा। लीज की माने तो इसमें A14 5G में आपको स्मार्टफोन की कीमत 15,000 रुपये के आसपास में हो सकती है। और भी अगर हम बात करें इसके फीचर, जैसे कि 5G तो तय यहाँ पे होने वाले हैं। अगर डिस्प्ले के लिए बात करूँ तो 6.5 इंच की LCD डिस्प्ले हो सकती है और 90Hz रिफ्रेश रेट पर काम करेगी। फोटोग्राफी के लिए बात करूँ तो ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप है और 50 MP का कैमरा होगा। वहीं सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए आपको इसमें 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। प्राइस आपको बहुत ही किफ़ायती में होगा। हालांकि A14 सीरीज़ में 5G के साथ आ रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 है उस पर ये लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इंडिया की लॉन्च डेट बताई जा रही है कि ये आपको जनवरी में सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में लॉन्च होगा। अभी तक इसमें कोई पुख्ता यकीन वाला कुछ अभी खबर नहीं है, लेकिन मॉडल नंबर से पता चलता है कि जनवरी सेकेंड वीक में लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो यहाँ तक के थे। वीडियो अगर पसंद आ जाए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।